आ गए यहाँ पे ये लुकाट का और लीची का। लीची बहुत जबरदस्त लगी हुई है इधर भी। पिंक पिंकी है लीची, पिंक होती है। लेकिन हमें अभी रुकना है किस पे? मैंगो आम के बाग में। फ्रेंड्स तो मैंगो ट्री, लो जी मैंगो ट्री फर्स्ट आओ। दिस वन इज द फर्स्ट, फुल भरा हुआ है। उतारने का यहाँ ये सीन है कि आप खुद चढ़ें उतारें, दैट डिफिकल्ट फॉर अस। पूरा गुच्छे की फॉर्म में भी देख सकते हैं, ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा है। वैसे तो मैं सिंगल सिंगल पीसेस देखे हुए हैं, तो ये चक्की है, ये गुच्छा है। पीपल आर एक्चुअली वर्किंग ओवर देयर, वो सारे बैठे हुए हैं। ऐसी सीन ही है हमारे वहाँ, लेकिन वो डिफरेंट है। ओके तो अब रेट करते हैं, आम लेते हैं और यहाँ से हम चलते हैं। आए तो यहाँ का राउंड रोड ट्रिप चूक कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हुए लीची की तरफ, ये चेक कर सकते हैं आप। लीची का बहुत बड़ा पौधा है, बहुत ज़्यादा ग्रूम हुआ हुआ है, फैलाव बहुत ज़्यादा है, और फल आपके सामने है माशाल्लाह। बहुत 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 ज़्यादा फल लगा हुआ है और बहुत अच्छा है पौधे का फैलाव। पौधे सारा टोटली यहाँ लीची का है। यहाँ ज़्यादा काम फार्मिंग का ही है, पब्लिक का। यहाँ तो खेती बाड़ी है, यहाँ मोस्टली बाग है, फार्मिंग है यहाँ पे। ये हरमून साहब भी स्ट्रीक्स बनाते हुए, अरे कैसे मजे आ रहे हैं। डोंट डोंट डोंट, फ्रेश खाली दी। ओके यू कैन टेक वन एंड आल्सो पे। ओके टाइम टू मूव। देखिए अब यहाँ से निकलते हैं आगे, क्योंकि सफ़र अभी काफ़ी लंबा है, सुना है काफ़ी आगे है वो। बाहर से निकलते हुए फ्री का चोरी करते पीस लेके जाते हुए। हाँ पूछ ले, चोरी की है इस बंदे ने। बहुत शुक्रिया। क्या क्या लुकाट के बाग है, लेकिन लुकाट का सीज़न ओवर हो चुका हुआ है। सारे लुकाट के पौधे हैं ये बड़े बड़े, लेकिन क्योंकि लुकाट का सीज़न ओवर हो चुका हुआ है इसलिए खाली हैं। हाँ बहुत मीठी है, पसंद आए। समोसे पूछते हैं, जाओ देख भाई पूछ क्या समोसे का रेट। मौसम बाहर बेहतर हो रहा है, लगता है बारिश आने वाली है। पूछ कितने का एक समोसा ही पूछी। 30 का। कितने हम लोग, 1, 2, 3, 4 पहले के 20 थे, बाहर 5 ले आ। पैसे मैं देता हूँ, दे भाई पैसे। 5 के कितने बने भाई? 150 निकाल पूरा। पैसे समोसा पास करो भाई। एक ले जी, जन्नत नजर आई समोसा, फेवरेट ऑल द टाइम। तेरा भी एक ही है? मेरा एक ही है। ये कुछ बड़े बड़े बने हुए स्ट्रक्चर से नजर आए हमें, वो सामने पता नहीं है किस चीज के बने हुए, घास वगैरह के ऊंचे ऊंचे, लेकिन इसका समझ नहीं आया कि इसका यूजेज क्या है। बहुत प्यारे बने हुए हैं स्ट्रक्चर्स, दे रहा बहुत अच्छी वाइब्स दे रहा है ये वाला रोड है। अच्छा बना हुआ, नया बना हुआ है, लेकिन बहुत प्यारा है। सारे रोड ऑलमोस्ट ऐसे ही होने चाहिए, दोनों तरफ दरख्त और बहुत प्यारे। अच्छा अच्छा इधर जी आर्मी का कोई चक्कर है इसलिए ये रोड इतनी अच्छी वाइब्स दे रहा था। पौधे काफ़ी ज़्यादा, आर्मी देख के हमें समझ आ गई, पता वो जो भी है, लेकिन ये रोड बहुत सुपर है। यहाँ शायद आगे वो धान मुंजी, धान का काम शुरू है। इस तरफ ये बंद शांत कोई ना कोई सीन है, आई थिंक बॉर्डर स्टार्ट होने वाला है इधर से, तो देखते हैं आगे। वैसे में भूख भी लगी हुई है, अब खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं। समोसों से कुछ नहीं बना, कोई खाने के लिए कोई होटल, हाँ वो तो मैं खाने वाला हूँ, होटल वगैरह मिल जाए तो हम कुछ खाना खाएं। तो ये देखिए डेरे यहाँ पे बहुत प्यारे हैं और देखने वाले हैं, बहुत खूबसूरत लोग के छोटे छोटे डेरे बने हुए हैं। ये ऐसे प्यारे प्यारे लोगों ने बनाए हुए, काम कर रहे हैं वहीं पर, देखें बैठ के वो रोटी खा रहा है लड़का यहीं पर। वही वो मोटर थी, चलो आगे जाने दो, हमें मोटर की तलाश भी है ताकि हमें पानी भी पीना है, हमारा पानी ख़त्म हो चुका है सप्लाई। लेकिन रोड बहुत आला, बहुत सुपर। ढूंढ रहे हैं कोई शॉप मिले, कोई बंदा मिले जिससे पूछा जाए
कि आगे पुलिस असेंबली कहाँ तक है, किधर रास्ता है, कितनी दूर है, लेकिन फिलहाल दूर दूर तक हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, दरहत दरहत और रोड। पानी पीने से मोटर भी कोई ढूंढ रहे हैं ताकि वहाँ से हम पानी पी सकें, और वो एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी है, लेकिन इससे तो नहीं पूछेंगे। हम ढूंढ रहे रास्ते में कोई शॉप लगी हो, कोई बंदा हो जो हमें गाइड करे हम सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं कि नहीं, कि हम गलत जा रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं दूर तक सिर्फ रोड और हम, इसके अलावा कुछ नहीं। और बाकी रह गए हरुण साहब, वही बात, हर तरफ कोहरा ही कोहरा। हाँ बिल्कुल, नहीं हम वैसे अच्छी जगह पे आए हैं, ये उसका था, तो चेक कर लें, बहुत प्यारी जगह, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं और बहुत मज़े आ रहे हैं। लेकिन बस अब पानी की किल्लत है हमें और रोटी की किल्लत है, और कोई गाइडर जो हमें बताए कि क्या हम सही डायरेक्शन में हैं या गलत डायरेक्शन में हैं। खेत हैं काफ़ी अच्छे, यहाँ भी आम के हैं, और गूगल हम बिल्कुल हमारा रास्ता नहीं है, गूगल हमारा नेट नहीं चल रहा। आगे कुछ आबादी नज़र आई है, शायद वहाँ से हमें कोई मिले, हाँ वो कुछ हैं लोग, तो देखते हैं किसे मिल के पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, पुलिस असेंबली में यही रास्ता जाएगा, पुलिस असेंबली में यही रास्ता जाएगा, सीधा जा रहे हैं। ओके भाई साहब कुछ लगा के सुन रहे थे, उनसे पूछा गया, उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक रास्ते पर जा रहे हैं, गोलगप्पे वगैरह को सेल कर रहे थे, तो हम आगे बढ़ने का डिसाइड किया, तो हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, ये रोड पुलिस असेंबली की तरफ ही जाता है। जो मेन आगे पुलिस असेंबली को रोड जा रहा है ये टोटल है वन वे, लेकिन कॉपर्ट वन वे नहीं है, मतलब सिंगल बना हुआ है, लेकिन कॉपर्ट रोड है, बहुत अच्छा है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से टूटा हुआ है, वो भी शायद बारिश की वजह से, और रिपेयरिंग भी थोड़ी सी की गई है, बाकी बहुत अच्छा रोड बना हुआ है, व्यू बहुत अच्छे हैं रोड के, राइट भी और लेफ्ट भी, बहुत सुपर, बहुत अच्छे से बना हुआ रोड है, ये साफ़ है, नीट है, क्लीन है, आई थिंक ये न्यूली अभी बना हुआ है, तो अगर कोई भी आना चाहे बहुत ईजिली आ सकते हैं आप लोग, बहुत ज़बरदस्त रोड है, अच्छी वाइब्स आएंगी और सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा, और व्यूज़ भी साथ चलते रहेंगे। कभी भी माइंड को रिलैक्स करना हो तो ज़रूर इस रोड को यहाँ विज़िट करें, चेक करें, सुपर्ब रोड। आगे सुडन अब दरख्त है, ऐसा स्टे एरिया होगा, वहाँ रुकते हैं, उसके बाद आगे ये टर्न लिया जाएगा और पुलिस असेंबली को ये वाला रास्ता जाएगा। टूटी हुई सड़क है, खस्ता खाल है, आगे तो बड़ी शानदार जा रही थी रोड, उस रोड को भी देखते हैं और बाद में उस रोड की तरफ भी आगे जाएंगे। फिलहाल ये खस्ता खाल रोड हिलाती हुई ये हमें लेके जाएगी दरगाह की तरफ, पुलिस असेंबली। सुन रखा था, फिर हमें यहाँ किसी चीज़ का भी पता नहीं था और एरिया के बजवात में कौन सा, तो देन हमने यही डिसाइड कर लिया पुलिस असेंबली। ये वो स्ट्रक्चर में कह रहा था, ये पता नहीं क्या है, ये बने हुए कुछ, इसके बारे में कन्फ्यूज़ हूँ, हाँ से किसी मिलके पूछने वाला हूँ कि ये किस लिए है, ये क्यों बनाए गए हैं, क्या है इनमें, क्या रखा जाता है। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जिनका मैंने आगे भी डिस्कस किया था, आपको दिखाना चाह रहा था, ये रहे वो, पता नहीं इसमें क्या है, आप लोग बताए कमेंट में, घास ने कहा पता होगा किसी को। बहुत हस्ताहाल सड़क है ये वाली, मेरी सबको ये एडवाइस है इस रोड पे तो भाई ना आए, कहाँ तक रह गया दरबार, फोर बाय फोर वो भी शौक जिसके सही हूँ, ये चेक करें, ये सबसे अच्छी सवारी यही है, वो भी पंक्चर, सुनी किसी ने नहीं बिजती, उतरना हो वो किसे पूछ लो, ये बंदा आई थिंक पहले आया हुआ है, पत्थर चेक करो यार, उतने पत्थर इधर यहाँ का दरिया है, दरिया मुझे लगता है इसके लिए पत्थर आए हुए हैं और वही पत्थर इधर डाल लिए हुए हैं, आगे भी हैं ज्यादा, तो फिलहाल ये रोड बहुत है, रोड काफ़ी खतरनाक है ये, जैसे हम होके भी जा रहे हैं आगे, तो बाकी दरबार जाके दोबारा होती है वीडियो कंटिन्यू, दरबार की तरफ रवाना दवा इस खस्ता हाल रोड से होते हुए, बेस्ट ऑफ लक टू असल। फिर से वो स्ट्रक्चर नज़र आए, मैं इनसे पूछ रहे थे रोड भी और वो भी इस तरफ करना ज़रा, तो नहीं से पूछना है वो जो बैंक चला रहा है इधर ही नीचे। अस्सलाम वालेकुम,
बाबा जी दरबार कितनी दूर जे पोली सिंबली वाला ऊंचा सुनते हैं बोला था मैं पिछे है ते ओ जेड़े बने ने सामने है कादली लांदे रे ओ बड़े बड़े है ओ जेड़े दो बने ने है सामने आहो ओ की है प्राली दे ओ बने है हाँ ये तूड़ी लाई है अच्छा ऐसे तूड़ी है असी परेशान है ये बैठ जाने हो गए ना बाबा विद ब्लू आईज ब्लू आईज थी और बैंसिंग थी समझ गए हो चलो अगे फिलहाल ओके तो ये फाइनली पता चल गया ये जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये स्ट्रक्चर उसके लिए हैं तूड़ी के लिए इसके अंदर पब्लिक तूड़ी रखती है स्ट्रक्चर के बारे में उस बाबा जी ने हमें बताया कि इसके अंदर तूड़ी होती है गंद यहाँ पर निकल रहे हैं सही फुल पिंड वाली वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर बहुत अच्छी वाइब्स आई है यहाँ से एक्चुअली मेरी मेमोरी फिल हो गई मैंने किससे पूछा कि यहाँ से कोई मोबाइल की शॉप कुछ मिलेगा और मेमोरी कार्ड भाई अगे जवाब नो नो तो कुछ नहीं मिलना मैं ओके फाइन इनसे पूछ ले एक मिनट एपोलिस मिली आई जा रहा है दरबार रोड ओके ओके आई ये फिर से वही भूसा ओके फाइन आके आके बढ़ो यही रोड है बहुत अच्छा वाकई बहुत अच्छा व्यू आ रहा है आप चेक कर सकते हैं ये हैदराबाद यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है हमसे पहले भी कोई पब्लिक आई हुई है और चले अभी हम यहाँ देखते हैं मेमोरी कॉफ़ी शॉर्ट हो चुकी हुई है अरे लंगर मिलेगा वो देखो कह रहे नहीं ओके फाइन तो लेट एंड मेक एंट्री हम फातिहा पढ़ेंगे यहाँ पे फातिहा के बाद हम दोबारा वापस निकलेंगे